Hi guys, a very good afternoon to all of you. This is Neha, your master teacher for economics, and I warmly welcome you all to Vedantu Commerce. Hello. Hi Vikrant. Hi Drishtimita. Hi Happy. Happy, you are new here. Welcome. Welcome to the class. Kaise ho aap sab? How was your weekend? Tell me. Was it exciting? Did you all go out somewhere? I hope not. Hi Anishka. Hi Nikila. It was adventurous. Very good. Hello Shivam. Ye dekho beta Vedantu. Toppers ka naya address is Vedantu. How come? Ye dekho. NTSC stage 1 across 17 states. We had a selection of 120 people. Heartiest congratulations. So, kon kon aa gaya beta? Hi Nazia. Hi Ayushi. Amrita. Very good afternoon. Oh, Anishka, very, very, very happy for you, girl. Heartiest congratulations. She got 38 marks out of 40 marks. And I hate to ask her, beta, do number kahan gaye? Jaldi bata do kahan gaye? Hi, Ariba. Very good evening. Good afternoon. I'm doing very well. Good afternoon. So guys, we are back here and I hope आपने अपना weekend अच्छे से enjoy कर लिया because अब हम पढ़ाई के mode में थोड़ा सा आना start करने वाले हैं. Hi Avinash, Avanish. Yes, I got this one right, Avinish. So today we are going to be doing privatization, globalization. दोनों आज साथ में हम complete करने वाले हैं. Nazia, आपको तो हमने पहले ही आपको hi बोल दिया था. अच्छा अनिष्का, अच्छा एमसीक्यू ये वाले थे, जनता जवाब चाह रही है अनिष्का, है ना? दो अब मिसक्लिक मत करो यार, ऐसे मत करो. आंसर आने के बाद फिर मिसक्लिक होता है तो मजा नहीं आता. ओके गाइस, दिस इज अ प्रो एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्स. आपका मिसक्लिक ना हो, इसी की प्रैक्टिस कराने के लिए प्रो एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्सेज लेकर आए हम. यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज कराते हैं, राइट? एंड क्लास 12 फॉर यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न न्यूमेरिकल्स, यू ऑल नो 10 मार्क्स का ये चैप्टर रखा हुआ है इन योर टर्म 2 आल्सो. मतलब आप समझो आपके 40 मार्क्स के पेपर में से 10 नंबर का सिर्फ नेशनल इनकम इज गोइंग टू बी कमिंग. सो ये कितना इंपॉर्टेंट है इन योर टर्म 2 एज वेल. आई एम टेकिंग एन एक्स्ट्रा सेशंस फॉर योर दिस चैप्टर एंड दीज आर प्रो एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्सेज. मतलब जब आप हमारा प्रो सब्सक्रिप्शन लोगे आपको नॉर्मल क्लासेस भी मिलेंगी, आपको नॉर्मल माइक्रो कोर्सेज भी मिलेंगे, आपको ये वाले एक्सक्लूसिव वाले भी मिल जाएंगे. सो गो अहेड गाइस एंड जॉइन आवर कोर्स. दो बज गए हैं, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इट इज टुडे. एंड ऑल दोस, अरे हैप्पी कहाँ गए तुम? यू आर न्यू टू आवर क्लास, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, कॉल एवरी वन ऑफ यू ऑल हियर. यहाँ पर सबको लेकर आओ एंड लाइक तो कर ही दिया होगा, कर नहीं दिया है तो कर दो. अच्छा गूगल फॉर्म में था, आई नो गूगल फॉर्म में हो जाता है कभी कभी, गूगल फॉर्म भी चेक तो करना पड़ता है ना. फाइनली अब मैं से आंखें गड़ा गड़ा कर नाम पढ़ रही हूँ. अवनीश है कि अविनाश है? हाय शेषद्री, हेलो. हाय इशिता. हाँ जी बेटा, कहाँ है? ये तो है, बट दिशा मैम का है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम 4:30 PM. ठीक है, वेदांतु का इंप्रूवमेंट प्रॉमिस इज आल्सो गोइंग ऑन. बेटा क्या क्या लेकर आएगा वेदांतु आपके लिए बताओ? प्रो एक्सक्लूसिव ले आया, एक तो प्रो का सब्सक्रिप्शन भी ले आया, प्लस उसके बाद बोल रहा है कि अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा तो पैसे भी वापस ले लो. मतलब क्या कुछ नहीं कर रहा वेदांतु बेटा. वीआईपी सब्सक्रिप्शन आल्सो गोइंग ऑन राइट नाउ. दिस इज द राइट टाइम, मॉनसून टाइम का राइट टाइम चल रहा है. अभी जल्दी से गो अहेड टेक आवर प्रो सब्सक्रिप्शन. सो क्लास 12th यू वांट टू बी प्रो इन ऑल द सब्जेक्ट्स, दिस इज आवर बेनिफिट ऑफ द प्रो सब्सक्रिप्शन दैट यू आर गोइंग टू गेट. यू गेट 5000+ आवर्स ऑफ लाइव कोर्सेज, टीचर्स कम लाइव, आपका
टाइम टेबल बनता है कि ऐसे दिन में सारे टीचर्स नहीं आ जाते, दिन में दो दो करके आते हैं, ऐसे करके बहुत अच्छे से आपका टाइम टेबल बनाया जाता है कि आपकी क्लासेस क्लैश ना हो जाए, ठीक है, हर चीज का बहुत ख्याल रख के. एंड ऑल द सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इन ग्रेट डिटेल विद टेस्ट एज वेल एज असाइनमेंट्स. वी टीच इन इंग्लिश इन आर क्लासेस. वी हैव अ पूल ऑफ 10+ लवली लवली टीचर्स. लाइव डाउट सॉल्विंग भी होता है एंड यू कैन लर्न फ्रॉम एनी डिवाइस. कोई फैंसी सा ऐसे अलग से कुछ नहीं खरीदना, जिससे आप यूट्यूब सेशन देख रहे हो उसी से लॉग इन करो, उसी से देख लो. चैप्टर 3, वी आर फाइनली हियर. ओके, हैव यू ऑल हर्ड अबाउट प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? और इसके पहले क्या पढ़ाया था मैंने? मैम की याददाश्त थोड़ी सी खराब होती जा रही है, जल्दी बताओ क्या पढ़ाया था मैंने. व्हाट डिड आई टीच? ये है क्यों लिखा है? व्हाट इज दिस है? आए थे कि नहीं आए थे? अच्छा याद है, लिबरलाइजेशन. ओहो, वेरी वेल बेटा. इसके पहले मैम ने पढ़ाया लिबरलाइजेशन, मतलब टू बिकम अ लिल लिबरल, कि ये मत करो वो मत करो, ऐसे मत रोको ऐसे मत करो, ऐसे मत टोको वैसे मत करो, तो रोको मत टोको मत वाला जो है दैट इज योर लिबरलाइजेशन, ठीक है. तो लिबरलाइजेशन ने हमारे इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, थोड़ी ढील छोड़ी, ठीक है. पतंग को उड़ने देने के लिए क्या करते हैं, थोड़ी ढील छोड़नी पड़ती है. दैट इज योर लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट. जरा सा आज उसके आगे का प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग दैट. ये तो हम कर चुके हैं. लेट्स स्टार्ट गाइस. प्राइवेटाइजेशन. सो व्हेन आई से प्राइवेट, किसको प्राइवेट करना है, मतलब व्हाट यू मीन बाय प्राइवेट? प्राइवेट इज समथिंग दैट इज नॉट गवर्नमेंट ओन्ड. यस बेटा, इन्हें उड़ने दो, इन्हें उड़ने दो वाला लिबरलाइजेशन है. सारे गाने सारे याद रहते तुम लोग को, राइट? तो सबसे पहले क्या था प्राइवेटाइजेशन, किस चीज का प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज की ओनरशिप में क्या होना चाहिए? प्राइवेट होना चाहिए. मींस योर गवर्नमेंट, जो हमें याद था कितने शेड्यूल थे यार, ए बी सी. नाउ व्हेन वी डिड आवर प्राइवेटाइजेशन, राइट, पहले तो हमने लिबरलाइजेशन में क्या किया? हाय जैप, हाय स्वप्निल. ओहो, वाईफाई नहीं चल रहा यहाँ पे, अभी पानी गिर के बंद हुआ, थोड़ा सा गिरा बस बंद हो गया. फिर सो ए का इसमें 17 इंडस्ट्रीज थी, उसको काट कर सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज रह गई. बी को पूरा का पूरा उड़ा दिया और सी तो वैसे ही प्राइवेट था, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, राइट? नाउ गवर्नमेंट मतलब पब्लिक का मेन फोकस, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई थी ना, 17 इंडस्ट्री. गवर्नमेंट ऐसी थी, आधी इधर भाग रही थी आधी उधर भाग रही थी, कि ये भी संभाल लूं मैं वो भी संभाल लूं. जब हम बहुत सारी चीजें संभालने को आते हैं तो क्या आता है, जितना हाथ में है वो भी गिर जाता है ना. तो क्या करना चाहिए, हाथ में उतनी चीजें रखनी चाहिए जितना आप संभाल सकते हो. दैट वॉज डन बाय आर गवर्नमेंट. सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज हमने अपने पास में रखी है, तो 3 इंडस्ट्रीज को अपने पास में रख के उसके बाद सारी की सारी चीजें क्या करी गई, इट वॉज प्राइवेटाइज्ड. ओके, सो प्राइवेटाइजेशन हियर मींस योर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू एंटरप्रेन्योर्स इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है. हमने क्या किया, इसको बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में लेकर हम चले गए, ठीक है. जस्ट अ मिनट गाइस. ओके, सो एक मिनट बेटा बस. ठीक है, सो व्हाट डिड वी डू इन प्राइवेट सेक्टर्स? सो प्राइवेटाइजेशन हियर मेंट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. सबसे पहले गवर्नमेंट की ओनरशिप अलग कर दो, ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल OMC अलग कर दो, एंड ब्रिंग इन प्राइवेट पीपल हियर. प्राइवेट पीपल वर्क इन विच वेज? हाय मसीह, हाय मसीह, हाउ आर यू? ओके, नाउ प्राइवेटाइजेशन वी कैन डू इन 2 वेज. Okay, what are some of the government industries? Are you all aware of any of the industries? Bataiye.
कौन सी इंडस्ट्रीज आपको पहले पता थी कि जिसमें गवर्नमेंट ओनरशिप वॉज देयर और अभी थोड़ा कम ओनरशिप हो गया है? आर यू अवेयर ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, एनी ऑफ द नेम्स? आई एम डूइंग वेरी वेल मसी. ओके, सो अगर हम बोलते हैं कि IPCL एंड IBP एंड मारुति उद्योग, इफ यू नो अबाउट, राइट, ये सारी इंडस्ट्रीज थी, ये पूरा का पूरा पहले इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल यूज टू बी देयर. नाउ आफ्टर प्राइवेटाइजेशन केम, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना स्टेक इन चीजों में रिड्यूस किया. यस बेटा, बट एनर्जी सेक्टर वॉज स्टिल देयर. नो जेब, एनर्जी सेक्टर वॉज स्टिल देयर. ठीक है, सर्च करो बेटा, गूगल कर लो. ओके, नाउ व्हेन आई से प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज. व्हाट आर दोज टू वेज? सबसे फर्स्ट, व्हाट कैन आई डू, आई कैन ट्रांसफर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ माय सेक्टर्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट. मतलब पूरा का पूरा ओनरशिप क्या करो, पब्लिक से कहां दे दो, प्राइवेट लोगों को. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू. मतलब वट एवर इंडस्ट्रीज वर देयर, वी हैड 17, राइट, आउट ऑफ दोज ओनली वी केप 3. बाकी जितनी बची हुई थी सबको हमने क्या कर दिया, प्राइवेट को उसको ओनरशिप दे दो, मैनेजमेंट भी उसका दे दो. अच्छा, प्लीज टेल मी, इफ यू आर हैविंग दीज इंडस्ट्रीज अंडर यू, आंट दे योर एसेट? पब्लिक सेक्टर ये क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया, इजंट इट? Yes or no? Yes. Now, giving it away, won't you get some money? Giving it away, selling off the stake, won't it give you some money? Yes. Hi, Dishimita. Yes. So, we were now arranging money by giving away our assets to private companies and getting money in return. ठीक है? तो क्या क्या चीजें हो गई, पहले हमने सेल ऑफ किया, सेल ऑफ करने के बाद हमारे पास पहले आने वाला है कैश, कैश और मनी आने वाला है. सेकंड थिंग व्हाट वी आर डूइंग, ये वैसे ही लॉसेस में चल रही थी, लॉस में चल रही थी तो बहुत सारा पैसा वहां जा रहा था, वो बचाया हमने. देन एक्सपेंसेस वर इनकर्ड. व्हाट वर द एक्सपेंसेस? सैलरी देनी थी और जितने रॉ मटेरियल्स परचेज हो रहे थे, सारे खर्चे बढ़ते हुए, वो सारे एक्सपेंसेस हम बचाने वाले थे. ठीक है, दिस वॉज द आउटलुक ऑफ ऑल दिस. ठीक है, सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते थे, सेकेंड थिंग वॉज दिस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज योर PSUs, बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ क्वान्टिटी, पार्ट, पूरा का पूरा नहीं सेल ऑफ किया है अरिबा, पूरा जब सेल ऑफ नहीं करते हैं तब क्या होता है, देन वी कॉल इट अ डिस इन्वेस्टमेंट. गॉट इट? दीज आर द टू वेज. सबसे पहला, पूरा का पूरा ओनरशिप आप विड्रॉ कर लो, दैट इज योर फर्स्ट वे. हाय शुभम, नो इश्यूज, यू आर स्टिल इन क्लास ऑन टाइम. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट विल बी ट्रांसफर अप ऑल द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. सेकेंड वर्स, गिव अ पार्ट ऑफ इट, थोड़ा सा स्टेक सेल ऑफ कर दो, अ पार्ट ऑफ इट हैज टू बी सोल्ड ऑफ, दैट इज कॉल्ड अ डिस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, दैट्स द बेसिक डिफरेंस. ना हमने क्यों किया, वाई डिड वी डू प्राइवेटाइजेशन? अभी मैंने आपको बताया दैट वी हैड टू हैव सम मनी. Second thing was to bring up financial discipline. ठीक है, the word is financial discipline. And facilitate modernization. Now it was also believed that private capital, private अपने साथ क्या लेकर आने वाले हैं, private अपने साथ लेके आने वाले हैं पैसा, पैसा, capital. राइट, और क्या लाने वाले, मैनेजेरियल केपेबिलिटीज. ओके, सो हम जब गवर्नमेंट ओनरशिप था, वी डिड नॉट हैव एनी मैनेजेरियल क्वालिटीज एज सच.
ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिनिस्टर्स होते थे, बाकी इधर उधर के लोग जो भी है, दे डिड नॉट नो हाउ टू रन अ कंपनी एक्चुअली. बट प्राइवेट पीपल, इफ दे आर इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल, इफ दे आर इन्वेस्टिंग देयर फंड्स, दे विल रिक्रूट सम पीपल ऑल्सो हु विल टेक केयर ऑफ देयर फंड्स आउट हियर. ठीक है, हाय देवी जो दिवजोत के ना. एक और चीज आती है यहां पर, मैं आपको वो बताती हूँ, दैट इज नवरत्नास एंड मिनी रत्नास. नवरत्नास एंड मिनी रत्नास. ओके, एक स्टोरी और बताती हूँ. इन स्टोरी में क्या हुआ, पहले तो आपने अपनी एसेट्स क्या करा, सेल ऑफ कर दिया. नेक्स्ट थिंग व्हाट यू डिड, जितनी आपने कंपनीज आपके पास रखी हुई थी, ठीक है, जितनी भी आपने आपके पास कंपनीज रखी हुई थी, इफ दे वर परफॉर्मिंग रियली रियली वेल, उनको मैक्सिमम को क्या कर दो, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू डालो. मतलब डोंट ट्राई एंड रन इट, डोंट ट्राई एंड रूल इट लाइक अ गवर्नमेंट ऑफिस, ट्राई एंड रन इट एज अ प्राइवेट पर्सन इज गोइंग टू डू. ठीक है, हाय आयुषी. तो प्राइवेट पर्सन क्या करता है, प्रॉफिट बनाता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे ही कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, दे वर गिवन सम स्टेटस उन कंपनीज को. हम क्या बुलाने लग गए, हम उन कंपनीज को नवरत्नास बुलाने लग गए. छोटी छोटी अगर कोई कंपनीज है, हम उन्हें मिनी रत्नास बुलाने लग गए. ठीक है, नाउ एज ऑफ 13 September 2017, इफ आई मस्ट टेल यू, 18 महारत्नास वर देयर, 16 नवरत्नास वर देयर एंड 74 मिनी रत्नास वर देयर. राइट, नाउ इनको ना नवरत्ना स्टेटस दे दो तो उनको समझ में आता है, अरे यार वी आर अ नवरत्ना कंपनी, वी हैव टू परफॉर्म वेल, हम पे नजरें हैं लोगों की कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है. तो दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल बिकॉज ऑफ द स्टेटस दैट आई हैव गिवन. PSUs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बेटा यही लिखा है. ठीक है, गॉट इट. नाउ प्राइवेटाइजेशन में एनी डाउट्स यू ऑल हैव, दैट व्हाट वाज प्राइवेटाइजेशन, व्हाई डिड वी डू इट. सविता, एनी बुक विच योर स्कूल टीचर इज रेकमेंडिंग इज फाइन, कोई भी एक रेफरेंस बुक, सारी बुक्स अच्छी हैं. बताओ एनी प्रॉब्लम गाइज इन प्राइवेटाइजेशन दैट वी हैव, एनी डाउट, एनी डाउट. बेटा पब्लिक कंपनीज है नवरत्नास, पब्लिक पब्लिक. PSUs वर ग्रांटेड, ठीक है, हमें प्राइवेट से क्या लेना देना. अगर हमने प्राइवेट कर ही दिया है तो हमें गवर्नमेंट को, देयर इज नथिंग टू डू ना. गवर्नमेंट विल गिव स्टेटस एंड सिंबल्स टू ऑल द कंपनीज विच आर विथ गवर्नमेंट, राइट. इज इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल मैंडेटरी टू रीड, यस बेटा इकोनॉमिक्स आधी चीजें आपकी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी न्यूमेरिकल ओनली, यू विल हैव टू रीड इट or else you won't get marks. If you aim for full marks, you'll have to go through the syllabus entirely. Okay? Chalo, globalization. Now, initially what we used to do, kya hota tha? Hum bolte the na, hame nahi chahiye. We don't want any other person coming into our country. We don't want to trade with anyone. We don't want to do anything with other countries as well. हम ऐसे नहीं बोलते थे क्या? कौन से तीन कंपनीज का बेटा? स्वप्निल, MCQs के लिए वी टेक मेंटीज, यस. गवर्नमेंट के पास थी बेटा, तीन कंपनी नहीं थी, तीन इंडस्ट्रीज थी दृष्टि मित्र, ठीक है. तीन इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई थी, एटॉमिक, रेलवे और न्यूक्लियर वाली जो थी हमारी, मतलब डेंजरस केमिकल्स जितने थे वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई थी, बाकी सब अलग कर दिया था, ठीक है. इंडस्ट्री इज अ सेक्टर वाइज थिंग, कि आप इन सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फर्म्स आ जाएंगे,
industry is a bigger thing. Okay, got it? चलो ग्लोबलाइजेशन हमने पहले बहुत मना किया था लोगों को कि हाँ बेटा मेरे तीन अनमोल रतन इस ऐसे ही करके याद कर लो तुम लोग 17 थे फिर तीन हो गए ठीक है ना हमने पहले बहुत मना किया था कि वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड विथ एनीवन नो वन विल गो आउट नथिंग इज गोइंग टू कम इन ह्यूज टैरिफ्स एंड और क्या क्या लगा दिया था कोटास बहुत सारी चीजें हमने लगा रखी थी बट नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू हाई हैप्पी अब हमने क्या किया अब हमने क्या हमें IMF ने धमकी दी थी थोड़ी सी विद कंडीशंस अप्लाई कि अब ऐसा तो करना ही पड़ेगा यू विल हैव टू ओपन योर गेट्स टू अदर पीपल कमिंग इनटू योर कंट्री एंड यू कैन ऑल्सो गो आउट ऑफ योर कंट्री एंड ट्रेड ठीक है इसको हम बुलाते हैं ग्लोबलाइजेशन कॉलिंग इट कि पूरा का पूरा वर्ल्ड इज वन बिग विलेज वन बिग ग्लोबल विलेज हु कैन ट्रेड विथ ईच अदर गॉट इट हे भगवान कहां से लाते हो शुभम बेटा इनवर्ट हमारी बिल्कुल हम इन ओरिएंटेशन बहुत ही इनवर्ट था हमारा पहले बट अभी थोड़ा आउटसाइड देखना पड़ेगा तो हमने क्या किया वी ओपनड अप आवर डोर्स टू एवरीवन ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग आवर नेशनल इकोनॉमी विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट कैपिटल मतलब गुड्स मशीनरी इन्वेस्टमेंट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नाउ डन ठीक है ग्लोबलाइजेशन एज वी नो इट एम्स टू वॉट क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड जिसको जहां जाना है चले जाए जिसको जो करना है करे जिसको जहां से जो परचेज करना है कर ले That is what globalization means, right? Okay, are you pro for globalization or not? Let's have a quick discussion on it. Are you pro or not? हाँ जी बेटा मुझे पता है ऐसे इतना भी पुराना जमाने का नहीं है कि मैंने नहीं सुना मेरे को तो आई थिंक इसमें डांस भी आता है इसका एक वो स्टेप भी है पेटेंट स्टेप है इसको देखना जाकर कम ऑन टेल मी ग्लोबलाइजेशन आर यू प्रो और अगेंस्ट डू यू लाइक ग्लोबलाइजेशन और नॉट डू यू थिंक इट्स अ राइट डिसीजन और नॉट अरे तो आप लोग तो बताइए हाँ बेटा तुम लोग तो नचवा मुझे यहाँ पर हाय रक्षा Pro, Shubham is pro. Anyone? Greater independence milegi. Everyone is pro. अच्छा चलो इसका discussion अभी अभी सोच के रखना we'll have a discussion on it कि pro है कि not so pro है right? So changes made by globalization in the Indian economy. Let's start with this. क्या क्या लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट वर द चेंजेस दैट वर मेड हाय खुशदीप वी आर डिस्कसिंग रक्षा अबाउट ग्लोबलाइजेशन यस बी अ पार्ट ऑफ इट नाउ ग्लोबलाइजेशन क्या था दृष्टिमिता इज ऑल्सो अ प्रूफ फॉर इट नाउ व्हाट वॉज ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी नाउ आर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रिपेयर्ड अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज ठीक है in which automatic permission will be available for foreign direct investment up to 51% of foreign equity. Did you understand this? इसका मतलब है जो हमारी new economic policy आई थी वो जो suitcase में भर के आई थी पैसों के साथ ढेर सारे पैसों के साथ उसमें condition ये था उसमें एक list भी आई थी suitcase खोला हमने suitcase बनाती हूँ ये suitcase है बेटा
बहुत ही गंदा सूटकेस है, कलरफुल बनाना पड़ेगा। लैच अलग कलर का बना देते हैं। हाय फरजान, ठीक है, ये है अपना ना सूटकेस। जैसे ही सूटकेस खोला, उस पिटारे में से निकली एक लिस्ट। लिस्ट में आए, लिस्ट में अब देखा हमने, यस बेटा, $7 बिलियन के साथ तो जितनी चिट्ठी आएंगे हम सब ले लेंगे। आए रितेश। सो हमने क्या किया, लिस्ट में क्या क्या लिखा हुआ था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के नाम लिखे हुए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज करके ऐसे एक लिस्ट बनी हुई थी, हाईलाइट करा हुआ ना। उसमें लिखा था हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्री, कि सुनो इंडिया, तुम्हारे पास ये वाली इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, देखो दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, देखो तुम्हारे पास ये वाली इंडस्ट्रीज नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम इसको ऑटोमेटिकली परमिशन दे देंगे, इसके लिए और किसी की, तुम्हारी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वाली जो सेक्टर लिस्ट है इसमें ऑटोमेटिक परमिशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अप टू 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी। मतलब मैक्सिमम 51% क्या आ सकता है, बाहर से पैसा आ सकता है, और इंडियन गवर्नमेंट, तुम्हारी परमिशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। दिस केम विथ द ग्लोबलाइजेशन। यस बेटा, चिट्ठी में लिखा हुआ था ये सब। सेकेंड थिंग व्हाट केम, चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन में, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट, ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री अप टू सम ऑफ ₹1 करोड़। टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट की भी एक चिट्ठी निकली थी। हाँ बेटा, मैंने ही खोला था, शायद पिछले जन्म में, बट खोला था, ठीक है ना, खोला हमने। अब क्या आया, ऑटोमेटिक परमिशन भी आया, एक और चीज के लिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए भी आया। फॉरेन टेक्नोलॉजी में अगेन निकला वो चिट्ठी। हाय क्रिश, क्या पता क्रिश ने खोला हो, देखो टेक्नोलॉजी आई और क्रिश आ गया, राइट। सो अब उसमें क्या था, अप टू अ सम ऑफ ₹1 करोड़, बाहर के लोग आएंगे और फॉरेन की टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगे, ठीक है। दिस वॉज द सेकेंड थिंग दैट वॉज मेड। हाय अविनाश, वेरी गुड आफ्टरनून। थर्ड, इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन करेंसी, रूपी वॉज डी वैल्यूड इन 1991 बाय नियरली 20%, ठीक है। 20% क्या किया हमने, डीवैल्यूएशन कर दिया। ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। वेरी गुड बेटा, सही सही, बिल्कुल सही। और क्या बेटा, हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग बीच में स्टोरी लिंक कर देते हैं, है ना? ओके, प्लीज टेल मी, बताओ। अच्छा, 1991 में आपने पीएम तो बता दिया बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन इज डन बाय मार्केट फोर्सेस of your demand and supply, devaluation is done by government. जब government को ही बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, कहाँ हमारा पैसा आपके पैसे के बराबर हो गया, ठीक है, पहले कितना था, बिल्कुल बेटा, लाइक कर दो सेशन को, अमेजिंग, वेरी गुड, ओके। सो पहले हमारी करेंसी थी रुपीज 21, कितनी कर दी यार उसको डिवैल्यूएशन करने के बाद, 27 फॉर अ डॉलर, ठीक है। नाउ व्हाई डिड गवर्नमेंट डू दिस ग्लोबलाइजेशन में,
यस बेटा, वेरी गुड शुभम। गवर्नमेंट ने ये क्यों लिखा हुआ था चिट्ठी में कि आपको आपकी जो ये करेंसी है इसको डीवैल्यू करना पड़ेगा? एनी एनी लिंक्स फॉर इट? हाँ बेटा, थोड़ी सी दुख की बात थी, बट इन लोगों ने बोला यार तुम्हारी करेंसी इसके लायक ही नहीं है कि 27 रुपीज पर डॉलर लिखा हुआ है, इतनी स्टैंडिंग ही नहीं है तुम्हारी करेंसी की। हाउ कैन यू से दैट दिस इज 21 रुपीज फॉर 1 डॉलर, राइट? तो उन्होंने क्या किया, इसको कर दिया 27 रुपीज। अब बोलोगे मैम प्राइस तो बढ़ा रहे हैं, 21 से 27 कर रहे हैं। बेटा पहले $1 $21 में आ जाता था, अभी $1 के लिए $27 देने पड़ रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर अस, दिस इज अ बैड सिचुएशन फॉर अस। तो डीवैल्यूएशन करने के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन में चिट्ठी आई थी कि ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? नाउ बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन आर गुड्स, इंडियन गुड्स बिकम चीपर। फॉर फॉरेन कंट्रीज, ठीक है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की यहां पे बात नहीं हो रही अभी। हमने क्या किया, आर इंडियन गुड्स बिकम चीपर, तो बाहर के लोगों को लगा अरे अरे सस्ते में मिला सस्ते में मिला, राइट? दे विल स्टार्ट टू कॉल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर क्या जाने लगेगा, एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू गेन, राइट? हमने अपनी करेंसी सस्ती करी है, हमारे एक्सपोर्ट्स फॉरेन मार्केट में सस्ते हो जाएंगे, पीपल विल स्टार्ट टू टेक अस। रितेश, मैक्सिमम टाइम इज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री विच इज मेकिंग इट पुअर, ठीक है? वी आर ओवरबर्डन्ड, आर रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड एंड वी आर ओवरबर्डन्ड विथ सो मेनी पीपल इन द कंट्री, ठीक है? हाँ जी बेटा, फॉरेक्स भी आ गया, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फॉरेक्स भी आने वाला है, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। ओके, हम गुड्स भेज रहे हैं, वी आर सेंडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम आर कंट्री, व्हाट इज गोइंग टू कम, पैसा पैसा, ये लोग पेमेंट करेंगे, डॉलर्स आ जाएंगे, इसी की तो कमी थी, यही तो चाहिए था हमको, राइट? देन वी आर गोइंग टू हैव अ विन विन सिचुएशन। सेकेंड थिंग क्या होने वाली है, जब हमारा ये महंगा हो जाएगा, मतलब डीवैल्यू हो गया, पीपल विल रिस्ट्रिक्ट देयर इम्पोर्ट्स एज वेल। एक्सपोर्ट्स तो हो गए, इम्पोर्ट करने में ना लोगों को दो बार सोचेंगे, यार थोड़ा महंगा हो रहा है, राइट? अगर आपके दिमाग में आ जाएगा नहीं यार थोड़ा इससे सस्ता तो इंडिया में मिल जाएगा, थोड़ा महंगा हो रहा है, आप बाहर से इंपोर्ट नहीं करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू सेंड ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज टू अदर कंट्रीज, राइट? आप डॉलर्स विड्रॉ करके बाहर नहीं भेज दोगे, मतलब पैसे का ना जाना भी पैसे का आना है टाइप्स, गॉट इट? सो दिस वॉज डन। और क्या करा हमने, टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। हाँ जी बेटा, थोड़े माइंड गेम्स तो खेलने पड़ेंगे। हाय मोनिका, स्कूल था आपका, टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। हाँ जी बेटा, दिशा मैम का डायलॉग मुझे रट जाते हैं, मैं उनकी क्लास देखती हूँ। सो टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद वर्ल्ड, यूनियन बजट ऑफ 1992-93 मेड इंडियन रुपीज पार्शली कन्वर्टेबल एंड देन रुपी वॉज मेड फुली कन्वर्टेबल इन 1993-94 बजट। ओ, इको का एग्जाम था, वेरी गुड, आई होप अच्छा गया, आई नो अच्छा गया। वेरी गुड, आंसर्स आ रहे थे, वेरी नाइस। ये ईयर याद करा दूं? अच्छा बेटा, 1991 में आया था एलपीजी, राइट? 1991 में आया था एलपीजी, तो इसका बजट कब आएगा, नेक्स्ट बजट
फॉर द ईयर कब आने वाला है, 1992-1993, गॉट इट? और उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 93-94 में पूरा हो गया, आधा कर दिया 92-93 में, आधा कर दिया 1993-94 में, ईयर रट लिया बेटा। बट होता क्या है, फुली कन्वर्टेबल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एनीवन अवेयर ऑफ मेकिंग अ करेंसी फुली कन्वर्टेबल? किसी ने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा है? क्या होता है फुली कन्वर्टेबल? ओके, सो पहले क्या होता था, हमारी करेंसी कौन डिस्कस करता था, कौन डिसाइड करता था कि $1 इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज? गवर्नमेंट यूज टू डू दैट, है ना, गवर्नमेंट करती थी। अभी गवर्नमेंट करेगी, बट अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या बुलाते थे, फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मार्केट, है ना, राइट? नाउ ग्लोबलाइजेशन ने आके बोला कि नहीं बेटा, आप भी अब इसको ऐसा नहीं कर सकते कि यू कैनॉट डिसाइड, लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड that what is going to be price of this currency. पहले तो इसको एक तो devalue करवा दिया government से, है ना? Next क्या बोला, अब इसको खुला छोड़ दो, let it value itself according to the demand and forces, demand and supply forces. Floating याद आ गया? तो हमें इसको fix से क्या करना पड़ा, floating बनाना पड़ा, ठीक है? But इसके बीच वाला phase भी था, बीच में एक मिक्स्ड भी होता है ना, फिक्स फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, राइट? तो पहले फिक्स से हम मिक्स्ड पे आए, याद कर लो, फिक्स्ड से मिक्स्ड पे आए, मिक्स्ड के बाद इसको हमने क्या बना दिया, फुली कन्वर्टेबल, दैट इज फुली फ्लेक्सिबल बना दिया। ओ हाय युवाश्री, वेलकम, okay tata happy. Now fifth thing, what has to be done, a new 5-year import export policy was also announced by the government. Ramandeep, that will be a part of our forex chapter, theek hai? And RBI doesn't control market exchange rate, it is done by the market forces of your demand and supply. जैसे demand and supply का हम rate exchange करते थे ना, this is the equilibrium quantity, this is the equilibrium price. That is the only way that forex का समझ में आने वाला है. Foreign वाले का यहाँ पर आ जाएगा price और quantity. ठीक है, कितना demand चल रहा है उसका, कितना supply चल रहा है in our market, that is going to decide its price. Hi Manasvi. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी भी लेकर आए हम अकॉर्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, एंड इट वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश व्हाट, फ्रेमवर्क फॉर आर ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। हमारे पास तो कुछ बेस नहीं था ना, वी डिड नॉट हैव एनी पेपर और ट्रेड अग्रीमेंट कि इसके साथ ट्रेड करेंगे तो वैसा, इसके साथ ट्रेड करेंगे तो वैसा, टिल 1991 वी नेवर यूज टू ट्रेड, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है पॉलिसी भी आई उस बक्से के अंदर। हाँ जी बेटा, अब ये हमेशा ही फ्लोटिंग रहेगा, ठीक है? मैक्सिमम कंट्रीज जो है आप फ्लोटिंग पे आ गई, अनटिल एंड अनलेस दे कंट्री इज रियली वेरी रिच। आप सर्च कर सकते हो कि किस कंट्री का फ्लोटिंग है, किसका फिक्स्ड है। नाउ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बेटा रमनदीप, इट इज फिक्स्ड जस्ट बाय द गवर्नमेंट, दैट इज देयर पॉलिसीज कि हमको नहीं चाहिए है किसी और के अगेंस्ट में लाना, तो दे फिक्स इट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर समथिंग कि मैं अपना डायरेक्टली यूरो के साथ नहीं या डॉलर्स के साथ नहीं, किसी एक गोल्ड के साथ मैंने अपना रेट फिक्स कर लिया या कोई भी एक फॉरेन एक्सचेंज ले लिया मैंने,
डॉलर्स ले लो या यूरो ले लो, इसके साथ अडेप्ट कर लो, ठीक है? अकॉर्डिंगली आई विल चेंज माई रेट, गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड द रेट, ओके? नाउ चेंजेस मेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इंडियन इकोनॉमी विथ द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट मॉडिफाइड कस्टम ड्यूटी टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट. नाउ बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हैड टू बी डन, हमें क्या करना था, ग्लोबलाइजेशन लेकर आना था. ग्लोबलाइजेशन मीन्स गेटिंग स्टफ फ्रॉम अब्रॉड, इम्पोर्ट, राइट? एंड डू यू थिंक हमारा इम्पोर्ट जो था पहले बहुत ज्यादा टैरिफ थे, कितना था टैरिफ? इट वॉज अराउंड 130%. मतलब कोई गुड अगर वहां पे 1 रुपीज का है तो हम 130 रुपीज का हमारे कंट्री में सेल ऑफ करते हैं, 130% इंक्रीज, ठीक है? नाउ अब क्या करना था हमें, इसको ड्रास्टिकली कम करना पड़ेगा, बिकॉज अदर द जितने हमारे जिन्हों से हम इम्पोर्ट कर रहे थे दे वर नॉट हैप्पी अबाउट इट. दे वर लाइक कि आई वी विल हैव टू डू व्हाट, हम लोग अपने गुड्स जो 1000 का लेके आ रहे हैं, वाइल इट इज कमिंग टू योर कंट्री इट विल बी मोर देन जस्ट द डबल प्राइस ऑफ इट एंड नो वन इज गोइंग टू बाय इट नाउ, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू इम्पोर्ट. अगर इम्पोर्ट आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैरिफ रिड्यूस करने पड़ेंगे. सो इट वॉज ड्रास्टिकली रिड्यूस टू अराउंड 30%, फ्रॉम 130 to 30%. Yes. Hi, Chetan. ठीक है, बहुत ही कम कर दिए थे एंड नाउ वी हैव रिड्यूस्ड इट ऑन आर ओन टू 12% अराउंड. ठीक है, दीज वर द कंसिडरेबल चेंजेस दैट वी मेड. गवर्नमेंट का एक बोलना था कि हम ये अगर रिड्यूस कर देंगे तो हमारी तो इनकम ही कम हो जाएगी. बोल सकती है ना गवर्नमेंट कि हमने 130% है, हमारी तो इनकम कम हो जाएगी, बट बाहर वो जो हमारे क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बाय फॉरेन करेंसी, ओके बेटा ये एक्सप्लेन कर दूं आपको. बेटा ये सारा चीजें जो आ रहा है ना रमनदीप, दैट इज इन योर फॉरेक्स चैप्टर, ठीक है? फॉरेक्स चैप्टर का डिटेल्स है ये. और ये बोला गया है, मैं जैसे गवर्नमेंट हूं, ठीक है, अगर मेरे करेंसी की रेट डाउन हो रही है, रुपीस की रेट डाउन हो रही है इन द मार्केट, कैसे डाउन हो रही है, पीपल आर सप्लाइंग माय रुपीस, सप्लाई बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, डिमांड नहीं हो रही है मेरे करेंसी की, राइट? व्हाट हैपेंस व्हेन डिमांड इज नॉट देयर एंड सप्लाई इज स्टिल हाई, योर प्राइजेस ड्रॉप. वी अंडरस्टैंड दिस. गवर्नमेंट क्या करेगी एट दैट टाइम, गवर्नमेंट चीज खरीदने लगेगी, तुम्हारा डिमांड बढ़ाएगी, ओके? गवर्नमेंट डिमांड बढ़ाएगी तो प्राइजेस अपने आप मॉडरेट हो जाएंगे, राइट? अगर फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा डिमांड में, डॉलर्स डिमांड में, बहुत हाई डिमांड में, इसीलिए अगर हाई डिमांड में है तो डॉलर्स का प्राइसेस बढ़ने वाला है, हमारी करेंसी कम होने वाली है. हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, डॉलर्स के जो उसके पास रिजर्व है वो उसको सेल ऑफ करना स्टार्ट करेगी मार्केट में, ठीक है? मैनिपुलेटिव जिसे हम चीजें बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी देयर. तो अब इसका डिमांड जो हाई है वो मीटअप कर देगा गवर्नमेंट, प्राइजेस विल बिकम स्टेबल अगेन एंड प्राइजेस वोंट बी चेंज्ड. ओके, टाइप सी ऑफिशियल बेटा, यू मतलब हमारी क्लासेस आर इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, आई कैन नॉट एंटायरली स्पीक इन इंग्लिश हियर, ओके? हाय कृष्णन बेटा, नीचे देखना टेलीग्राम लिंक इज देयर, वेलकम रामनदीप. नीचे टेलीग्राम का लिंक इज देयर, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको आ जाएगा पीडीएफ नोट्स, ओके? नाउ चेंजेस और क्या था, ओके, वी मॉडिफाइड आर कस्टम ड्यूटी टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, फ्रॉम 130% हम कहाँ पे लेकर आ गए, अराउंड 30%, एंड नाउ इट्स टू 12%. ओके, नो बेटा क्लास 12th का क्लास चेतन, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज,
ओके नाउ हम आ गए हैं, कहाँ आ गए? पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स पे आ गए. ओके हाय प्रांशु, लेट्स स्टार्ट. पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ऑल दोज हु वर इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेट्स सी. ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स. नाउ बिल्कुल बेटा प्रांशु, कॉमर्स ले लो. एमसीक्यू क्यों नहीं कराऊंगी? कराएंगे बेटा, एमसीक्यू तो सारे चैप्टर्स का होता है. मेंटी करेंगे ना चैप्टर खत्म होने के बाद. बेटा वेंसडे एंड सैटरडे क्लास 11th. ओके सो ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स पहला, हमें बाहर की अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है. ओके जी चला गया था. एडवांस टेक्नोलॉजी. सपोज समथिंग इज इन्वेंटेड बाहर, हमारे कंट्री में अभी तक उसका इन्वेंशन नहीं हुआ है, वॉट कैन बी डन? बाहर से बुलवा लो. हम करते थे ना, अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव गॉट देयर फोन्स और एनीथिंग फ्रॉम एनी ऑफ योर कजिन्स लिविंग अब्रॉड? शुभम आएंगे बेटा आउटसोर्सिंग पे, इसके बाद आएंगे. हम हमेशा करते थे ना पहले. अरीबा इसके बाद होगी ना, दो चार क्वेश्चन तो है ही है यहाँ पर, बट वो एमसीक्यूज बोलेंगे ना, उसको मेंटी नहीं बोलेंगे. यस नाउ नेक्स्ट. बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इम्पोर्टेंट प्लेयर इन इंटरनेशनल अरीना. ये तो बहुत लंबा सा डायलॉग हो गया, क्या हो गया ना, है ना? आप सबने मंगाया था, वी वर डिस्कसिंग दिस. सो व्हाई डू वी कॉल स्टफ फ्रॉम अदर कंट्रीज? हमें लगता है कि वहाँ टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है ना. अभी तो साइमल्टेनियसली लॉन्च होते हैं प्रोडक्ट्स. पहले क्या होता था, बाहर जहाँ वो बना है दैट कंट्री, वहाँ पर वो ज़्यादा जल्दी लॉन्च हो जाता था और हमको वो नया चीज़ चाहिए होता था, तो वी यूज टू कॉल इट फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना. सो सेम दैट इज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का फेवर इन ग्लोबलाइजेशन. हाँ यार चॉकलेट्स तो सबसे पहले, चॉकलेट्स तो बहुत मंगाई है बट अब मैक्सिमम टाइम मिल जाती है चॉकलेट्स. कॉपी होता है अच्छा. ओके ना, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन इंटरनेशनल अरीना. नाउ I am telling you that other countries can come into your country and set up a factory. Yes, that is meant by globalization. Another thing I can say that your country can also go in other countries and set up an industry. ठीक है? This can very, very easily be done. This is what a globalization should look like. And Tata Industries did that. ठीक है, टाटा इंडस्ट्रीज ने ये किया एंड बाहर जाकर इट इज द मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री राइट नाउ, स्टील वाला. इसने बहुत सारे वहां की इंडस्ट्रीज को टेक ओवर भी कर लिया था, तो दैट वॉज अ प्राउड मोमेंट कि ओके वी हैव डेवलप्ड सो बिग कि अब हम बाहर जाकर इस्टेब्लिश हो रहे हैं और दूसरी कंट्रीज के इंडस्ट्रीज को टेक ओवर भी कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट वॉज अ नाइस थिंग. चलो आ जाओ बेटा, कोई अगेंस्ट में नहीं था, ऐसा क्यों? एवरीवन वाज फेवरिंग. सबको चॉकलेट याद आ रही थी, है ना, राइट? कि अब चॉकलेट, अब तो यही यही खाएंगे. अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ ग्लोबलाइजेशन है, आर इंडस्ट्रीज वर नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम कि हम बाहर जाएं, बाहर इंडस्ट्री सेटअप कर लें, देन अरीना एरिया ग्राउंड. राइट, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो स्टिल इन्फेंट इंडस्ट्रीज. वी डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ अ टेक्नोलॉजी कि हम बाहर जाएं और अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट स्टार्ट करें.
या फिर इंडस्ट्रीज लगा के आ जाए. वी वर नॉट दैट केपेबल. बेनिफिट किसको हो रहा था? हमने अपने गेट्स ओपन कर दिए, बाहर के, हमारा एक जा रहा था, बाहर के इतने सारे आ गए थे. ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अक्रू टू डेवलप्ड कंट्रीज एज दे आर एबल टू एक्सपैंड देयर मार्केट्स इन अदर कंट्रीज. वो पहले ही बहुत डेवलप है. देखो उनका डेवलपमेंट देखो, इस स्टेज पे पहुंच गया था एंड आर डेवलपमेंट वॉज स्टिल हियर. तो दे वर इन अ बेटर कंडीशन टू डंप देयर गुड्स इन आर कंट्री रादर देन वी गोइंग एंड टेकिंग ओवर देयर मार्केट्स. ठीक है, everyone's agreed to this or not? Next, globalization. बेटा सिर्फ एक सिंगल टाटा ने किया था, बाकी और किसी कंपनी ने नहीं. तुम अपने यहां देखो कितने सारी कंपनीज आ रही हैं. प्लीज सी कितने सारे आपके यहां कंपनीज हैं, राइट? Now, globalization comprises the welfare and identity of people belonging to poor countries. Okay, Ramandi beta, ab MCQs karna start karo. Read your chapters again and again. Menti mein aa jaya karo. Very good, Shubham. So, ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा था? बाहर के लोग अगेन हमारी कंट्री में आ रहे थे. इट वॉज हैम्परिंग आर वेलफेयर ऑल्सो. बाहर की कंपनीज वर जस्ट प्रॉफिट ड्रिवन, उनको प्रॉफिट मोटिव चाहिए था. मैक्सिमम थिंग्स जो हमारी कंट्रीज में आ रही थी, अगेन दे वर ऑफ अ गुड क्वालिटी, एंड उससे क्या हो रहा था, वी एज आर कंट्री वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विथ दोज थिंग्स. ठीक है, क्यों आ रहे थे वो लोग? वो लोग आ रहे थे क्योंकि उनको मार्केट बेस चाहिए था. ओके, मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशन एंड पीपल. नाउ मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन, जिसमें जितना जो दम है आ जाए, ट्रेड कर ले, चला जाए. नाउ क्या होने वाला है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे विल मतलब दे विल गेट मोर मनी. वो ज्यादा पैसा कमा के ले जाएंगे हमारे कंट्री से. दे विल टेक मोर बेनिफिट्स एंड वी विल बी लेफ्ट एट द सेम अरीना जहां पर हम पहले थे. अच्छा, कौन सा सॉन्ग? नाउ इन ग्लोबलाइजेशन मैक्सिमम चीजें, अगर आपका ये थ्योरी पेपर नहीं होता, मतलब थ्योरी पेपर होता, तो एक इंपॉर्टेंट थिंग इज आउटसोर्सिंग. What do you mean by outsourcing? Anyone knows that what is outsourcing? And give me some examples of outsourcing that you are aware of. Tell me. Very good, Shubham has given the example of call centers. Anyone heard of them? Okay, दूसरे कंपनी से करवाना, बट बेटा वो कंपनी दूसरे कंट्री में होनी चाहिए. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO इसी को बुलाते हैं. ठीक है, now outsourcing, if I may tell you, it refers to contracting out some of its activities to a third party which were earlier performed by the organization. पहले वो क्या करते थे, organization में ही लोगों को hire करते थे to do some stuff, कि चलो accounting करना है, या फिर कुछ business calls were there, या कुछ calculation हो गया, anything of that sort, right? Now what are they doing? वो लोग खुद रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, दे आर आउटसोर्सिंग द वर्क, राइट, टू सच कंपनीज जो ये वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस दे आर गोइंग एंड डूइंग. अकाउंटिंग, एडिटिंग, कॉल सेंटर्स में क्या होता है, योर सर्विस. आप किसी कॉल सेंटर को कॉल किया है, आपका फ्रिज वर्क नहीं कर रहा, या फिर आपका टीवी वर्क नहीं कर रहा, या फिर
एप्पल के कॉल सेंटर कि दिस इज द हार्डवेयर इशू विथ माई लैपटॉप, या ऐसा कुछ किया है किसी ने अभी तक? कॉल सेंटर आप कॉल करते हो, सर्विस सेंटर 1800 वाला नंबर, यू विल डू इट? हाय प्रमित, प्रथम, यस, कॉल सेंटर्स पे हमने वर्क मतलब कॉल तो किए होंगे, है ना, कि मेरा टीवी नहीं चल रहा, मेरा टाटा स्कैन नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. यस, नाउ आपको क्या लगता है वो जो फोन वाला, फोन पे कंपनी पे आप कॉल कर रहे हो, उसको वो कंपनी में बैठा हुआ है क्या जहां से आपने खरीदा है? वो सैमसंग की कंपनी में ऑफिस में काम करता है क्या? नहीं बेटा, नहीं बेटा, वी केयर वाले तो हमारे खुद के अपने हैं, उनको पराया मत करो, वो आउटसोर्सिंग नहीं है. उनको हमने रिक्रूट किया है, वो वेदांतु कंपनी के ही है. राइट, अदर थिंग्स जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं ना, वो क्या करते हैं, कंपनी दूसरे कंपनी को दे देते हैं. नाउ दीज कंपनीज आर मैक्सिमम इन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, ये इन एरियाज में बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गए. तो अगर वो यूएस से कोई कॉल कर रहा है, यूएस का एप्पल है, यूएस का एप्पल फोन है, राइट, एंड दे आर कॉलिंग कि मेरा फोन ऑन नहीं हो रहा, यू नीड टू हेल्प मी आउट विद दिस और समथिंग. नाउ हमारे यहाँ लोगों को ना एक्सेंट ट्रेनिंग भी मिलती है कि अच्छा यूएस वाले से कॉल आया तो यूएस वाले एक्सेंट में बात करनी है, ठीक है. वो लोग कॉल करते हैं, यस शुभम, वेरी गुड, ये सारे के सारे आउटसोर्सिंग पे वर्क करते हैं. नाउ वो उस एक्सेंट में बात करके उसको समझाएगा कि कैसे चीजें ऑन करनी है, क्या प्रॉब्लम है, टू हंट की क्या प्रॉब्लम हो गया है फोन में, पानी वानी में तो नहीं चला गया, ऑल दीज थिंग्स दैट थर्ड पर्सन इज गोइंग टू डू. पहले ये कंपनी में बैठ के करते थे लोग, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ने लगा. वाई महंगा पड़ने लगा? क्योंकि यूएस में किसी को जॉब अगर आप हायर करते हो, वहां पे आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट के नॉर्म्स करने पड़ेंगे, लेबर लॉस फॉलो करने पड़ेंगे, मिनिमम जितना पेमेंट आप करते हो पर आर फॉर अ पर्सन उतना करना पड़ेगा. इन लोगों को ये बहुत महंगा महंगा लग रहा था. इंडिया और दीज एशियन कंट्रीज, दे प्रोवाइड चीप लेबर, चीप लेबर विथ माइंड्स, दो चीजें, थोड़ा अकल वाले भी होते हैं अपन, प्लस वी आर रेडी टू वर्क इन अ लेसर सैलरी एज कंपेयर टू देयर नेशंस. तो दे आर गिविंग अस देयर जॉब्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मेनी कंपनी आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू द आउटसाइड एजेंसीज, वेरी गुड. पहले हम क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज टू रिक्रूट देयर ओन सर्विस पर्सनल, बैंक वाले रिक्रूट करते थे, है ना, सर्विस वालों को. अभी क्या होता है, आपने देखा होगा एटीएम्स में या कुछ में वो यूनिफॉर्म में कंपनी का नाम लिखा होता है, होता है, देखा है, दिस इज द सर्विस एजेंसी दैट इज बीन डन नाउ. It has intensified in recent times because of the growth of fast modes of communication. पहले हमारे पास इतना कोई कम्युनिकेशन था नहीं ना, फोन लाइन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो मतलब क्या कम्युनिकेशन होगा, क्या आउटसोर्सिंग हो जाएगा. बट आफ्टर वी गॉट सच फास्ट मोड्स कम्युनिकेशन, जैसे पहले मेट्रो सिटीज में आता था ये सब बीपीओ कॉल सेंटर, तो दे वर प्रोवाइडिंग जॉब्स कि आप कॉलेज पास हो गए हो, आपको जॉब मिल जाएगा, एंड अ डिसेंट सैलरी दे वर पेइंग. हाँ जी बेटा, पुअर कंट्रीज पे ही करते हैं, जिन पे मतलब हु आर रेडी टू वर्क एट अ लोअर रेट ऑल्सो, ठीक है. हाँ हाँ, ट्रेनिंग वगैरह सब देते हैं वो लोग, एवरीथिंग दे प्रोवाइड, एवरीथिंग. तब अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, इंटरनेट आ गया, सो इट हैज़ इंटेंसिफाइड मेनी फोल्ड्स. और पहले पता क्या होता था, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट्स करके भी एक होते हैं, एमटी, वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, यूएस की बात कर रही हूँ, दे हैव टू फुल मतलब उनको पूरा रिकॉर्ड क्या करना पड़ता है, पेशेंट का डेटा फीड करना पड़ता है. उनके पास एक नंबर होता है कि आप आज अगर ए डॉक्टर के पास गए हो और देन कल बी डॉक्टर के पास गए हो, तो बी डॉक्टर शुड हैव रेफरेंस कि वो ए डॉक्टर ने आपको क्या लिख कर दिया था. हम लोग तो पुराना वो ले जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ, है ना, वो लोग तो नहीं लेकर जाते हैं ये सब प्रिस्क्रिप्शन वगैरह. तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में क्या हो जाता है, हॉस्पिटल्स में होता है दे फीड देयर एंट्रीज कि ए डॉक्टर ने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट्स.
राइट. अभी वहां के डॉक्टर्स को इतना टाइम तो है नहीं कि वो ऐसे एक एक करके फीड करने वाले हैं या समथिंग. वो लोग बात करते हुए करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं अपनी, एंड दोज वॉइस रिकॉर्ड्स आर सेंट ओवर टू आर कंट्री. ठीक है, और यहाँ पर जो सुनते हैं वो उसको टाइप करके फीड करके भेजते हैं. Such sort of a work has been done. Now, for the help of modern telecommunication links, the text, voice, visual data in respect of these services is digitalized and transmitted in real time over continents and national bound. मतलब बिल्कुल real time में हम उनको services provide करना start कर गए. ये नहीं कि उन्होंने हमें mail भेजा, फिर हमने process किया, फिर हमने भेजा. Yes. So Indian business process outsourcing companies are already gaining prominence and earning precious foreign exchange. हम foreign exchange लेकर आ रहे हैं. अभी क्या करता था आपको पहले, लोग क्या करते थे, अपनी कंपनी के लोगों को पैसे दे देते थे. अभी हमारे इंडिया में आ रहा है पैसा, डॉलर्स. सो वी आर अर्निंग, वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट, वी आर नॉट सेलिंग गुड्स, वी आर सेलिंग सर्विस. तो गुड्स अगर सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, सर्विसेज देते हैं तो सर्विसेज, एंड एग्जांपल ऑफ सर्विसेज आउटसोर्सिंग. हाय अंजलि, वेरी गुड आफ्टरनून. हाँ जी बेटा, दे आर डिफरेंट. थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. मैं एग्जैक्ट आपको बता के देती हूँ ये डिफरेंस, जस्ट अ मिनट. ओके, तो बीपीओ बिजनेस प्रोसेस, केपीओ नॉलेज प्रोसेस. ठीक है, तो नॉलेज प्रोसेस में क्या हो जाता है, बीपीओ विल बी, ये क्या हो रहा है, मेरी राइटिंग खराब आ रही है. बीपीओ विल बी डेटा, मैं ऐसे ही समझाती हूँ. ओके, चलो, बीपीओ विल बी रिलेटेड टू डेटा, डेटा को प्रोसेस करना है, उसको टाइप करके भेजना है, उसको सुन के टाइप करके भेजना है. नॉलेज प्रोसेस जैसे होगा कि अकाउंटिंग आ गया, ऑडिटिंग आ गया, एडिटिंग आ गया, थोड़ा नॉलेज लगाने वाली बात है. इस नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स, राइट. तो सम ऑफ द सर्विसेज आउटसोर्स टू इंडिया, दीज आर द सर्विसेज दैट वी हैव. वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, दैट इज बीपीओ या कॉल सेंटर. रिकॉर्ड कीपिंग हम करते हैं, अकाउंटेंसी. बैंकिंग सर्विसेज, मेजर बैंकिंग सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग. यहाँ पे बैठकर लोग वहाँ के लोगों का अकाउंट्स एंड एवरीथिंग फीड करते हैं. म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए आता है, फिल्म एडिटिंग, ट्रांसक्रिप्ट आती हैं बुक्स की फॉर अस टू रीड, एंड क्लिनिकल एडवाइजेज एंड ऑल, एवरीथिंग इज बीन डन हियर. गुड ना, ये सब पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन. Yes, how was the session? जल्दी बताओ कैसा था हमारा session? All good? हम quiz करें जल्दी से. अब MCQ आ गए बेटा, तो quiz तो करना ही पड़ेगा हर class में. सुपार, सुबार. चलो क्विज करते हैं. मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन विच ईयर? दृष्टिमिता इज सेइंग बी. मोनिका इज सी. अरिबा इज सी. शुभम पता नहीं. 2014 में आया था बेटा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वो लॉन्च इन इंडिया इन 2014. नाउ, रुपए वाज डीवैल्यूड टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. ट्रू और फॉल्स, हमने रुपए को क्यों डीवैल्यू किया था, रुपीस को डीवैल्यू किया था, क्यों किया था? आपने टीवी पे देखा था. वेरी गुड, बिल्कुल यस. शुभम, कर तो हम पहले से रहे थे बट नेम 2014 में मिला था. ट्रू, ये
ट्रू इट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा, ये अगेन योर टर्म टू चैप्टर, कौन सा चैप्टर है देखना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर भी है हमारा जिसमें हम फॉरेक्स से डील करने वाले हैं, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर इज ऑल्सो गोइंग टू कम, ये सब करना पड़ेगा. ओके गाइज, so you want to get notes and summary concepts and important formulas in one place, pro subscription is the right place for you. to pro subscription mein ye dekho kaisa dikhega, here comes guys, yahan niche jana description box mein, this is how your youtube channel is going to look like, right? yahan par jaoge, show more karoge description box mein, then these things are going to come. Vedantu Improvement Promise, Vedantu ka Learning App and Vedantu Pro. यहाँ पर हमारा Telegram link is also there. Go ahead and join our Telegram link if you want notes of the class. And बहुत सारे quiz questions भी आते रहते हैं, ठीक है. Playlist चाहिए आपको Indian Economy की, तो यहाँ पर playlist भी है पुराना, अगर आपने sessions miss किए हो जल्दी से जाकर देख लेना, ठीक है. And if you click on the Pro वाला page, this is where you are going to land. यहाँ पर ये देखो, दिशा मैम का वेबिनार इज गोइंग ऑन एंड बहुत सारे वेबिनार्स, वेबिनार्स आर योर फ्री क्लासेस जो कि आप फॉर योर एमसीक्यूज आल्सो एंड प्रो का आपको प्लेटफॉर्म देखने के लिए भी आप देखते हो, ठीक है. क्या हो गया बेटा, लोडिंग लोडिंग हो रही है. ओके, कुछ ज्यादा ही लोडिंग हो गया पेज. ये देखो गाइस, हम यहाँ पर जैसे क्लास ट्वेल्थ में जाएंगे, टारगेट एग्जामिनेशन विल बी कॉमर्स, दिस विल बी योर लैंडिंग पेज फॉर कॉमर्स. यहाँ पे आपको दो प्लान्स दिए हुए हैं, वन इज योर लाइट एंड वन इज योर क्लासिक प्लान. नाउ इफ यू टेक आर लाइट और क्लासिक प्लान, यू आर गोइंग टू गेट लाइव एंड इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासरूम. लाइव, हम लाइव आते हैं, इंटरैक्टिव, आई कैन अनकैम यू, आई कैन अनम्यूट यू, मतलब फेस टू फेस ऐसे थोड़ी सी बातें बातें हो जाती हैं, ठीक है. टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, हम हर चीज आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू बताते हैं, मतलब टर्म वन पूरा का पूरा प्लान्ड आएगा कि एमसीक्यूज है तो वैसे ही आपका टेस्ट लिया जाएगा. आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है क्लास में भी इतने करा दिए जाएंगे, बट आफ्टर दैट टेस्ट भी होगा. टेस्ट हम एनालाइज करके बताएंगे भी कि आपको नॉलेज में थोड़ा प्रॉब्लम है कि अंडरस्टैंडिंग में, कि कौन से सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा वीक हो रहा है. वी विल टेल यू बिफोर योर एग्जामिनेशन ओनली, मतलब बोर्ड वाले एग्जाम. और असाइनमेंट्स एंड नोट्स आर ऑल्सो देयर. हम क्लास में इतनी प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद असाइनमेंट्स भी देते हैं, उसके बाद नोट्स भी मिलते हैं, मतलब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस विल बी डन विथ यू. लाइव डाउट सॉल्विंग होती है ड्यूरिंग द क्लास, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म बैच में हो, आपको क्लास टीचर्स भी मिल जाते हैं हमारे साथ, मतलब दोनों तरफ से आप डाउट्स आपके पूरे क्लियर हो जाने वाले होते हैं एट आवर प्रो सब्सक्रिप्शन. नाउ इफ यू वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर लाइव डाउट सॉल्विंग पूरे दिन भर वाली, मतलब ऐप में ही फोटो खींच के डाल दो वाली और तुरंत आंसर आ जाएगा थोड़ी देर में, तो आप हमारे क्लासिक सब्सक्रिप्शन में चले जाओ, वरना एवरीथिंग एल्स इज गिवन इन आर लाइट पैकेज आल्सो. नाउ 30599 इज फॉर दैट. व्हेन यू गो एंड व्यू ऑल द ऑफर्स, ऑफर्स में आपको NRPRO अप्लाई करना है, ठीक है. NRPRO जैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पर आपको 10% ऑफ हो जाएगा एंड यू कैन ट्राई दिस आउट फॉर 1 month ऑल्सो. ये एक सब्जेक्ट का प्राइस नहीं है, ये चारों सब्जेक्ट्स के प्राइस है, मतलब आपका हिंदी नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, हमारी बैचेस इंग्लिश में कंडक्ट होते हैं एंड आपका अकाउंटेंसी इज देयर, इकोनॉमिक्स इज देयर, बिजनेस स्टडीज इज देयर, इकोनॉमिक्स इज देयर, ये चारों सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर होते हैं. प्लस आर फ्लो एक्सक्लूसिव कोर्सेज आर ऑल्सो फॉर यू, प्लस माइक्रो कोर्सेज आर ऑल्सो देयर. दिन भर बैठ कर देखते रहो यहाँ पर और gain your knowledge. यहाँ पर इस साइट में everything else will be given to you guys. Let's come back. So guys, you can learn from any device. कोई fancy ऐसे mobile और laptop लेने की जरूरत नहीं है, जिससे आप YouTube देख रहे हैं उससे आप आराम से बैठ के देख सकते हो. 10+ teachers हैं हमारे पास. Our batches are conducted in English out here. Everything is planned term wise. आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि मैम अब यहाँ पढ़ ले वहाँ पढ़ ले कैसा पढ़ ले, हम सब टेक केयर कर लेंगे आपका. एंड वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन. इफ यू डोंट फाइंड बेनिफिट इन आवर प्रो सब्सक्रिप्शन, यू कैन आस्क फॉर योर फीस बैक.
राइट अगर आपको कहाँ कहाँ गारंटी दे रहे हैं हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका वेदांतु बेंचमार्क टेस्ट में इम्प्रूवमेंट होगा एंड आपके स्कूल स्कोर्स में, आपके बोर्ड एग्जाम के स्कोर्स में, हर चीज में आपका इम्प्रूवमेंट होगा. इफ यू डू नॉट सी एनी प्रोग्रेस यू कैन गेट योर कोर्स फीस बैक विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड. एंड 75% मैंडेटरी अटेंडेंस जरूर से लेंगे हम. इतना तो प्रॉमिस थोड़ा आपको भी देना पड़ेगा, हम आपको वापस कर रहे हैं कुछ तो. आप क्या करोगे, 75% अटेंडेंस एंड 75% टेस्ट असाइनमेंट्स आप कंप्लीट करके रखोगे. सो क्लास 11th, दीज आर योर पैकेजेस. आपको क्लास 11th में 24 मंथ्स का भी पैकेज मिल रहा है, दैट इज फॉर योर 11th एंड 12th बोथ, 422-99. EMI options are also available for you and do not forget to apply the coupon code NRPRO. Jaise hi apply karoge 10% exclusive off will be there for you. And ye dekhiye toppers ka naya address. We have 120 state selections in NTSC stage 1 across 17 stage and we are not done with counting. It's still coming up with us. This is our pro exclusive micro course that are going on right now. अभी भी चल रहे हैं. लंबे सीरीज लेकर आए हैं हम. मैं बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करा रही हूँ. यू ऑल नो दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. 10 मार्क्स का आता है, आउट ऑफ 40 मार्क्स भी ये 10 नंबर का आएगा. सोचो मैं करा रही हूँ इसके सारे न्यूमेरिकल्स. आ जाओ प्रो हमारे एक्सक्लूसिव कोर्स में एंड टेक दिस माइक्रो कोर्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम कराने वाले एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स. आई विल कंटिन्यू दिस ऑन मंडे एट 2 PM शार्प. सो थैंक यू सो मच अश्मिता. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर चैनल येट गो अहेड एंड सब्सक्राइब. जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक्स जेफ. हाँ बेटा अभी अभी वो ही है, थोड़ा टाइम आया. टेक केयर. थैंक यू मोनिका. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन यू नीड टू स्टे होम, यू नीड टू स्टे सेफ एंड यू नीड टू स्टे हेल्दी एज वेल. टेक केयर गाइज. बाय शुभम, बाय रश्मिता, बाय मोनिका, बाय जैप, बाय रमनदीप. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. दिस वॉज नेहा साइनिंग ऑफ फॉर वेदांतु कॉमर्स एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.